Hello and welcome to Pillar Form. I am Ali Makhtar, sociology teacher at Pillar Form. So, आज हम लोग पढ़ेंगे waves of paganism. दो मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. गुड इवनिंग ऑल. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो चार वेव, फोर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है, यानी कि चार नारीवाद की लहरें हैं. वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म. हाँ, थोड़ा सा दिन में एक ही घंटे की क्लास हो पाई थी, इसलिए इस समय जो है क्लास हो रही है. चूंकि कुछ काम था जिस वजह से एक घंटे की क्लास दिन में हुई थी, इस बार हम लोग एक घंटे की करेंगे. और अभी कल से जो है क्लास रेगुलर वही 2 से 4 ही चलेगी. सो द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, नारीवाद की पहली लहर. द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड अराउंड 1848, ऑफन टाइड टू द फर्स्ट फॉर्मल वुमेन्स राइट कन्वेंशन इन सेनेका फॉल्स, न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में एक सेनेका फॉल्स जगह है जहां पे वेमेन्स राइट कन्वेंशन हुई थी, उसी के साथ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को जोड़ा जाता है. और फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो स्टार्ट हुई थी अराउंड 1848. अराउंड 1848 में फर्स्ट वेव फेमिनिज्म स्टार्ट हुई थी. सो माना जाता है कि नारीवाद की पहली लहर जो है वो 1848 के आसपास शुरू हुई थी, जो अक्सर सेनेका फॉल्स न्यूयॉर्क में पहली औपचारिक महिला अधिकार सम्मेलन से जुड़ी हुई है. तो ये पहली जो महिला अधिकार सम्मेलन हुई थी न्यूयॉर्क में, जो कि सेनेका फॉल्स एक जगह है वहां पे हुई थी. ठीक, उसके साथ नारीवाद की पहली लहर को जोड़ा जाता है. और नारीवाद की पहली लहर जो है वो 1848 के आसपास शुरू हुई थी. द कन्वेंशन वॉज नोटेबली रन बाई ल्यूक्रेटिया मॉट एंड एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन. सो ये कन्वेंशन जो है ये इनके द्वारा लीड किया गया था, इनके द्वारा रन किया गया था, ल्यूक्रेटिया मॉट और एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, हु आर अमंग द अदर 300 इन अटेंडेंस. ठीक, सो इस कन्वेंशन को 300 लोगों ने अटेंड किया था, उनमें से ये दोनों थे जिन्होंने इस कन्वेंशन को रन किया था. अधिवेश विशेष रूप से ल्यूक्रेटिया मॉट और एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन द्वारा चलाया गया था, जो उपस्थिति में अन्य 300 में से थे. यानी कि उस जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में तकरीबन 300 लोग शामिल हुए थे. उस 300 लोगों में से ल्यूक्रेटिया मॉट और एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन ये भी शामिल थी, और इन्होंने ही इस अधिवेशन को विशेष रूप से चलाया था. ठीक, many of the activists believed that their goals would be hard to accomplish without men's women's right to vote. ठीक, उनमें से ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि बगैर women's right to vote के हम जो है बाकी चीजों को, बाकी rights को नहीं पा सकते. यानी कि जो भी goal है, जो भी waves of feminism का goal है, यानी जो भी women organization का जो goal है, जो women के right के लिए काम करते हैं, उनका ये मानना था कि सबसे पहले हमको जो है
वोटिंग राइट के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि बगैर वोटिंग राइट के हम बाकी गोल्स को नहीं पा सकते। ठीक, कई कार्यकर्ताओं का मानना था कि महिलाओं के मतदान के अधिकार के बिना उनके लक्ष्यों को पूरा करना कठिन होगा। ठीक, तो ये कहते हैं कि जो भी लक्ष्य होते हैं, इस सम्मेलन में ये बात हुई थी कि जो भी लक्ष्य होंगे, महिलाओं के जो भी लक्ष्य होंगे, ठीक, उस लक्ष्य को पूरा करना कठिन है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि महिलाओं के मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक, महिलाओं के मतदान का अधिकार लिए बिना ये लक्ष्य पूरा करना कठिन होगा, क्योंकि वोटिंग राइट जब आपको मिल जाता है तो आप एक वोटर बन जाते हैं और वोटर की बात ज्यादा सुनी जाती है। जिनके पास वोटिंग राइट ही नहीं होगा उसकी बात उतनी नहीं सुनी जाती। इसीलिए कई कार्यकर्ताओं का ये मानना था कि महिलाओं के मतदान के अधिकार के बिना उनके लक्ष्यों को पूरा करना कठिन होगा। So early feminists are thought to have been inspired by feminist writings such as those by Mary Wollstonecraft, The Vindication of Right of Women, जो पब्लिश हुई थी 1792, and John Stuart Mill's The Subjection of Women, 1869. ठीक, so ये माना जाता है कि शुरुआत के जो फेमिनिस्ट थे वो ज्यादातर किससे इन्फ्लुएंस थे, वो ज्यादातर इन्फ्लुएंस थे फेमिनिस्ट राइटिंग से, जैसे कि मैरी वॉस्टन क्राफ्ट की राइटिंग थी द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वेमेन, ठीक, जो पब्लिश हुई थी 1792 में, और एक और फेमिनिस्ट राइटिंग थी जॉन स्टॉर्ट मिल्स जो जिसका नाम था द सब्जेक्शन ऑफ वेमेन जो पब्लिश हुई थी 1869, ठीक, द सब्जेक्शन ऑफ वेमेन जो पब्लिश हुई थी 1869। शुरुआती नारीवादियों को नारीवादी लेखन से प्रेरित माना जाता है। तो ये माना जाता है कि शुरुआत में जो नारीवादी थे वो किससे प्रेरित थे, नारीवादी लेखन से प्रेरित थे, जैसे कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की राइटिंग है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का लेखन है द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वेमेन, जो पब्लिश हुआ था 1792 में, यानी कि 1792 में, और जॉन स्टुअर्ट मिल की भी लेखन है नारीवाद पर, इनका भी लेखन है जॉन स्टुअर्ट मिल्स का, जिसका नाम है द सब्जेक्शन ऑफ वेमेन, जो प्रकाशित हुआ था 1869 में। ठीक, सो इन जैसी राइटिंग से ही जो शुरुआत के नारीवादी थे वो इससे ही इन्फ्लुएंस थे और इसी की वजह से वो अपना आंदोलन चला रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे। ठीक, तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म अगर आपसे पूछता है तो ज्यादातर सिविल राइट से रिलेटेड था, क्योंकि वोटिंग राइट जो है वो क्या होता है, सिविल राइट होता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म किससे रिलेटेड है, तो आपको अगर ऑप्शन में वोटिंग राइट है तो बेस्ट है, लेकिन अगर सिविल राइट देता है तो वो भी आंसर इसी में आ जाएगा, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में ही आ जाएगा। ठीक, इन 1916 मार्गरेट सैंगर ओपन द फर्स्ट बर्थ कंट्रोल क्लिनिक इन द यूनाइटेड स्टेट, डिफाइंग द न्यूयॉर्क स्टेट लॉ दैट फॉरबिड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रासेप्शन। ठीक, सो पहली बार जो है 1916 में मार्गरेट सैंगर ने एक बर्थ कंट्रोल क्लिनिक बनाया था यूनाइटेड स्टेट में, जो क्या करता था, न्यूयॉर्क का जो लॉ था उसके खिलाफ था। ठीक, न्यूयॉर्क का लॉ उस समय ये था कि कंट्रासेप्शन के डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो इलीगल माना जाता था, लेकिन ये बर्थ कंट्रोल जो क्लिनिक है, जाहिर सी बात है जो बर्थ कंट्रोल क्लिनिक होगी वो कंट्रासेप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ठीक, कंट्रासेप्शन क्या होता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है या बर्थ कंट्रोल टूल्स होते हैं, जिसको कंट्रासेप्शन कहा जाता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, आंसर तो देंगे ना वो लोग, ऐसा थोड़ी ना है कि दोनों एक साथ दे देंगे। अगर दोनों एक साथ देंगे तो तीसरा ऑप्शन ये भी देंगे, बोथ ए एंड बी। ठीक, आंसर तो उसमें रहेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि क्वेश्चन बनाएंगे तो आंसर नहीं होगा। अगर दोनों एक साथ देंगे और तीसरा ऑप्शन वो ए एंड बी नहीं देते हैं तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक, तो 1916 में मार्गरेट सैंगर ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहला जन्म नियंत्रण क्लिनिक खोला था। ठीक, तो मार्गरेट सैंगर ने 1916 में पहली बार जन्म नियंत्रण क्लिनिक खोला था, क्योंकि ये फेमिनिस्ट का ये मानना था कि जो फेमिनिस्ट स्कॉलर है, जो भी वुमेन है, उनका राइट होना चाहिए प्रेगनेंसी पे। ठीक, उनका राइट होना चाहिए प्रेगनेंसी पे राइट होना, मतलब कि वो अपनी मर्जी से ही प्रेग्नेंट होंगी या नहीं होंगी। ठीक, सो 1916 में मार्गरेट सैंगर ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहला जन्म नियंत्रण क्लिनिक खोला था,
जिसने न्यूयॉर्क राज्य के कानून को धता बताते हुए गर्भ निरोध के वितरण पर रोक लगा दी। ठीक, सो क्योंकि उस वक्त जो न्यूयॉर्क का कानून था वो गर्भ निरोध के जो वितरण है उस पर रोक लगाया था, और अगर आप जो है जन्म नियंत्रण क्लिनिक खोलते हैं तो इसका मतलब जो है आप गर्भ निरोध का वितरण कर रहे हैं। ठीक, सो ये एक तरह से आंदोलन, एक तरह से मोमेंट ही था। ठीक, एक आंदोलन ही था कि 1916 में मार्गरेट सैंगर ने पहली बार जन्म नियंत्रण क्लिनिक खोला था। द इशू विद फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, अब फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के साथ इशू क्या था, पहली लहर नारीवाद के साथ मुद्दा क्या था, पहली नारीवाद लहर के साथ मुद्दा क्या था। द एक्टिविज्म ऑफ फर्स्ट वेव फेमिनिज्म इज ऑफन क्रिटिसाइज फॉर बीइंग अ फेमिनिज्म फॉर एक्सक्लूसिवली वाइट वुमेन। तो ये माना जाता था कि जो पहली लहर फेमिनिज्म की थी वो ज्यादातर फोकस किसको करती थी, वो वाइट वुमेन को ज्यादातर फोकस करती थी, कलर्ड वुमेन को ज्यादा फोकस नहीं करती थी। ठीक, क्योंकि रेशियल डिफरेंसेस थे। ठीक, सो फेमिनिज्म में भी रेशियल डिफरेंस था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ये माना जाता है। इसीलिए फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है इस बेस पे कि ये ज्यादातर जो है वाइट वुमेन पे फोकस करते हैं, कलर्ड वुमेन पे फोकस नहीं करते। ठीक, तो ये पहला इशू था फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के साथ। प्रथम लहर नारीवाद की सक्रियता की अक्सर विशेष रूप से श्वेत महिलाओं के लिए नारीवाद होने के लिए आलोचना की गई। तो ये आलोचना की गई कि जो पहली नारीवाद की लहर थी वो ज्यादातर किस पे ज्यादातर विशेष रूप से किसकी बात करती थी, वो श्वेत महिलाओं की ही बात करती थी, यानी कि जो रंगीन महिलाएं थी, यानी कि जो जिनका कलर जो है श्वेत नहीं होता है, ठीक, उन महिलाओं के बारे में बात नहीं की गई थी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में। तो ये ज्यादातर माना जाता था कि ये जो है एक तरह से श्वेत महिलाओं के ऊपर ही ज्यादा विशेष रूप से ध्यान दिया गया था और उन्हीं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई थी। और इसका परिणाम भी यही हुआ था कि 1920 में पहली बार जो है जो वोटिंग राइट मिला था वो व्हाइट वुमेन को ही पहली बार मिला था। ब्लैक वुमेन को बहुत लेट में, मतलब कलर्ड वुमेन को बहुत लेट में मिला था, लेकिन व्हाइट वुमेन को 1920 में मिल गया था। ठीक, ऑल्दो द वोट वॉज ग्रांटेड टू व्हाइट वुमेन इन 1920, 1920 में ही वोटिंग राइट मिल गया था व्हाइट वुमेन को, यानी कि वोट देने का अधिकार मिल गया था इनको। इट वुड टेक मच लॉन्गर फॉर वुमेन ऑफ कलर टू बी एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। और ये बहुत टाइम लग गया जो कलर्ड वुमेन थी उनको राइट टू वोट पाने में। ठीक, सो इसीलिए इसको ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये ज्यादातर व्हाइट वुमेन को फोकस किया है। हालांकि 1920 में श्वेत महिलाओं को वोट दिया गया था, वोटिंग राइट दिया गया था, वोट का अधिकार दिया गया था, वोट नहीं दिया गया था, वोट का अधिकार दिया गया था। ठीक, हालांकि 1920 में श्वेत महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया था, लेकिन रंग की महिलाओं को वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में अधिक समय लगा। मतलब कि जो रंग की महिलाएं थी, यानी कि जिनका रंग जो है वो श्वेत से अलग था, ठीक, श्वेत महिलाओं से अलग जिनका रंग था, उनको वोटिंग राइट यानी कि वोट का अधिकार बहुत लेट मिला था, 1920 के बाद ही मिला। इन हर फेमस 1851 स्पीच एंड आई एम वुमेन, एबॉलिशनिस्ट सुजॉर्नर ट्रूथ डिस्क्राइब द ऑपरेशन अगेंस्ट वुमेन ऑफ कलर इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी। तो इन्होंने ही डिस्क्राइब किया है कि रेस के बेस पे ऑपरेशन होता है वुमेन का, और जो कलर्ड वुमेन है उनका ऑपरेशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है, अपनी एक फेमस स्पीच में जिसको इन्होंने 1851 में दिया था। ठीक, सुजॉर्नर ट्रूथ ने अपनी एक स्पीच 1851 में जो इन्होंने दिया था, जिसका टाइटल था एंड आई एम वुमेन, क्या मैं एक औरत नहीं हूँ। ठीक, सो इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से जो रेशियल बेस पे जो है वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी कि व्हाइट वुमेन के साथ उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है जितना एक कलर्ड वुमेन के साथ होता है। ठीक, 1851 के, क्योंकि देखिए कलर्ड मेन के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो एक तो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा है, ऊपर से जो है वो वुमेन जो है वो कलर्ड वुमेन है, तो उनके साथ और भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक, 1851 के अपने प्रसिद्ध भाषण में आइंट आई एम वुमेन उन्मूलनवादी सुजॉर्नर ट्रूथ ने वैचारिक असंगति के संदर्भ में रंग की महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का वर्णन किया है। तो इन्होंने ही
सुझार्नर ट्रुथ ने ही ये बताया है अपनी एक प्रसिद्ध भाषण में, जिसका जिसका टाइटल था एंड आई एम वुमेन, यानी क्या मैं एक औरत नहीं हूँ। 1851 में इन्होंने ये भाषण दिया था और उसमें ही उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से जो रंग की महिलाएं हैं उनके खिलाफ उत्पीड़न होता है। ठीक, सो ये इशूज थे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ। उसके बाद आता है सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, नारीवाद की दूसरी लहर। तो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है? द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस बिटवीन द अर्ली 1960s टू द लेट 1980s। ठीक, सो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्यों हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था? द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस बिटवीन द अर्ली 1960s, तो ये अर्ली 1960s के आसपास शुरू हुआ था टू लेट 1980s, और लेट 1980s तक चला था। ठीक, और फर्स्ट वेव जो है 1848 से शुरू हुआ था, उसके आसपास ही शुरू हुआ था, तो ये आप डेट जो है वो याद रखिएगा। नारीवाद की दूसरी लहर, माना जाता है कि नारीवाद की दूसरी लहर 1960 के दशक की शुरुआत से 1980 के दशक के अंत के बीच हुई थी। तो नारीवाद की जो शुरुआत हुई थी, दूसरी लहर की, नारीवाद की जो दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी वो 1960 के दशक की शुरुआत से लेकर 1980 के दशक के अंत तक हुई थी। ठीक, तो ये ईयर आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ईयर भी आपसे पूछा जाता है। और देखिए, पहला जो था वो सिविल राइट्स से था, वोटिंग राइट्स से था, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म किससे रिलेटेड था वो देखते हैं हम लोग। दिस वेव कमेंस आफ्टर द पोस्ट वॉर टॉस एंड इट वॉज थॉट टू बी इंस्पायर्ड बाय द सिविल राइट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द लेबर राइट मूवमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो है जो सिविल राइट मूवमेंट हुए थे, जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में सिविल राइट मूवमेंट्स हुए थे और लेबर मूवमेंट हुए थे, ठीक, लेबर राइट मूवमेंट्स हुए थे, उसी से ये इंस्पायर थे। ठीक, ये लहर युद्ध के बाद की अराजकता के बाद शुरू हुई और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकारों के आंदोलन और यूनाइटेड किंगडम में श्रम अधिकारों के आंदोलन से प्रेरित था। यानी कि जब जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में जो आंदोलन हुआ था, जो किससे रिलेटेड आंदोलन था, नागरिक अधिकारों से रिलेटेड आंदोलन था और श्रम के अधिकारों से रिलेटेड जो है आंदोलन था, उससे ये प्रेरित था ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। साइमन डी बोर इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इनकी बुक से, 1949, बुक टाइटल द सेकंड सेक्स। सेकंड सेक्स जो है इनकी बुक का नाम था। In his book, she understand women's operation by analyzing the particular institution which define women's life, such as marriage, family, and motherhood. तो ये लोग ज्यादातर जो है institution पे focus करते हैं। Institutions जो हैं उन्हीं की वजह से women's का operation हो रहा है, जैसे कि marriage एक ऐसा institution है जिसके जरिए women's का operation होता है, family जो है एक ऐसा institution है जिसके जरिए women's का operation होता है, या motherhood जो है ये ऐसा institution है जिसके जरिए वुमेन्स का ऑपरेशन होता है। तो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में ज्यादातर इंस्टीट्यूशन पे फोकस किया जाता है। साइमन डी बेयर की बुक थी, 1949 में ये पब्लिश हुई थी, जिसका टाइटल था सेकंड सेक्स। ठीक, तो इससे रिलेटेड कई बार, बुक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, द अदर्स का भी कॉन्सेप्ट आता है इसमें, सेकंड सेक्स एंड द अदर्स का भी कॉन्सेप्ट आता है कहीं कहीं पे। साइमन डी बेयर की 1949 की किताब जिसका शीर्षक द सेकंड सेक्स है, इस पुस्तक में वो महिलाओं के जीवन को परिभाषित करने वाली विशेष संस्थाओं जैसे कि विवाह, परिवार और मातृत्व का विश्लेषण करके महिलाओं के उत्पीड़न को समझते हैं। ठीक, तो ये कहते हैं कि महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है वो किसकी वजह से होता है, वो अलग अलग जो विशेष संस्थाएं हैं उनकी वजह से होता है। ठीक, जैसे कि विवाह है, परिवार है, मातृत्व है, इन सब की वजह से महिलाओं का उत्पीड़न होता है, और इन्हीं सबको समझकर उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न को समझा है। उनकी अपनी बुक 1949 में जो प्रकाशित हुई थी उसका नाम था, उसका शीर्षक था द सेकंड सेक्स। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बुक का नाम ज्यादातर पूछा जाता है, साइमन डी बेयर से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादातर बुक के नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटी फ्रेडमैन इन हिज
द फेमिनिन मिस्टेक, इससे भी रिलेटेड, इस बुक से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, द फेमिनिन मिस्टेक, ये बुक थी बेटी फ्रेडन फ्राइडन, बेटी फ्राइडन, ठीक, बेटी फ्राइडन नाम था इनका, ठीक, जिसकी बुक का नाम था द फेमिनिन मिस्टेक। फेमिनिन मिस्टेक से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इन 1963 ये बुक पब्लिश हुई थी, 1963 में, हाइलाइटेड द इंक्रीजिंग एलिनेशन एंड अनहैप्पीनेस फेल्ट बाय अमेरिकन हाउसवाइफ इन द पोस्ट वॉर बूम ईयर। ठीक, जो पोस्ट वॉर मतलब कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो अमेरिकन वाइफ हाउसवाइफ थी वो अपने आप को एलिनेटेड फील कर रही थी और अनहैप्पी फील कर रही थी। इसको इन्होंने बेटी फ्राइडन ने डिस्क्राइब किया है अपनी बुक द फेमिनिन मिस्टेक में। ठीक, एंड इज वाइडली क्रेडिटेड विद किक स्टार्टिंग द सेकंड वेव। ठीक, और इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने ही जो है सेकंड वेव को स्टार्ट किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को स्टार्ट किया है तो ये नाम होगा बेटी फ्राइडन। ठीक, बेटी फ्राइडन ने 1963 में अपने द फेमिनिस्ट मिस्टेक में युद्ध के बाद के वर्षों में अमेरिकी गृहणियों द्वारा महसूस किए गए बढ़ते अलगाव और नाखुशी पर प्रकाश डाला है। तो इन्होंने प्रकाश डाला है कि जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो अमेरिकी हाउसवाइफ थी यानी कि अमेरिकी गृहिणी थी उनके अंदर एक तरह का अलगाव महसूस हो रहा था और एक तरह से नाखुशी हो रही थी, उसके ऊपर इन्होंने प्रकाश डाला है और इन्हीं को हुई व्यापक रूप से दूसरी लहर को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ये माना जाता है कि इन्होंने ही दूसरी लहर शुरू की थी, बेटी फ्राइडन ने ही दूसरी लहर शुरू की थी और इनकी बुक से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है द फेमिनिस्ट मिस्टेक्स, फेमिनिन मिस्टेक्स। ठीक, अ कॉमन प्रिंसिपल ऑफ द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज वुमेन्स ऑटोनॉमी। ये लोग ज्यादातर वुमेन्स ऑटोनॉमी पे फोकस करते हैं, मतलब वुमेन्स को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, अपने हिसाब से उनको काम करने दिया जाना चाहिए। ठीक, वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। A common principle of the second wave of feminism was women's autonomy and insistence on women's right to determine what they want to do with their life and their body. ठीक, so ये कहते हैं कि women का एक right होना चाहिए, women के ऊपर अपना right होना चाहिए, उनको अपने ऊपर एक ऐसा right होना चाहिए कि वो जो करना चाहें वो करें, चाहे अपनी life के साथ चाहे अपनी body के साथ। मतलब उनकी बॉडी पे भी उनका अधिकार होना चाहिए, उनकी बॉडी पे भी उनका राइट होना चाहिए और उनकी लाइफ पे भी उनका राइट होना चाहिए। ठीक, सो जैसा वो जीना चाहें वैसा जिए, जैसी वो लाइफ जीना चाहें वैसे जिए और अपनी बॉडी के साथ जिस तरह से वो व्यवहार करना चाहते हैं, जैसा वो बिहेवियर रखना चाहते हैं वैसा रखें, मतलब वो जो चाहें वो कर सकते हैं, ऐसा वुमेन का राइट होना चाहिए। ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इस पे फोकस करता है। नारीवाद की दूसरी लहर का एक समान सिद्धांत महिलाओं की स्वायत्तता थी, यानी कि महिलाओं को आजादी, स्वायत्तता कहते हैं कि अपने आप में अपनी मर्जी से चले, ठीक, किसी पर डिपेंड ना रहना, उसी को स्वायत्तता कहा जाता है। तो ये नारीवाद की जो दूसरी लहर थी वो ज्यादातर महिलाओं की स्वायत्तता पर भी फोकस डालती थी। ठीक, महिलाओं के अधिकार पर जोर ये निर्धारित करने के लिए कि वो अपने जीवन और अपने शरीर के साथ क्या करना चाहती। तो मतलब महिलाओं को ये अधिकार होना चाहिए कि वो खुद ही निर्धारित करें कि वो अपने जीवन के साथ या अपने शरीर के साथ क्या करना चाहती हैं और क्या नहीं करना चाहती हैं। ये उनका खुद का अधिकार होना चाहिए, उनके बॉडी पे यानी कि उनके शरीर पे या उनके जीवन पे किसी दूसरे का अधिकार नहीं होना चाहिए। और उस वक्त माना जाता था कि जो मेन है यानी कि जो पुरुष है उनका अधिकार होता है महिलाओं के शरीर पे और महिलाओं के जीवन पे। ठीक, Their goals were to legalize abortions. इनका गोल था कि legalize किया जाए abortions को। उस वक्त तक जो है ज्यादातर abortion को illegal माना जाता था, तो इनका गोल ही था कि abortion को legalize किया जाए, promote easier and safer contraception, और easier और safer contraception को promote किया जाए ज्यादा से ज्यादा। contraception क्या है? birth control tools होते हैं, ठीक, चाहे pills हो सकती हैं चाहे tools हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो ईजियर और सेफर कंट्रासेप्शन है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, एंड फाइट रेसिस्ट एंड क्लासिस बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक, और जो भी रेसिस्ट या क्लासिस बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। रेसिस्ट यानी कि जो कलर के बेस पे जो है जो बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलते हैं, या क्लासिस या जो क्लास के बेस पे जो बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। उनका लक्ष्य था कि गर्भपात को वैध बनाना,
ठीक, जो भी गर्भपात है उसको वैध बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक जो है गर्भपात को अवैध माना जाता था। आसान और सुरक्षित गर्भ निरोधक को बढ़ावा दो, और जो आसान और सुरक्षित गर्भ निरोधक हो उसको बढ़ावा देना, ये दूसरी लहर जो है नारीवादी की दूसरी लहर का मेन उद्देश्य था। और नस्लवादी और वर्गवादी जन नियंत्रण कार्यक्रमों से लड़ना था, यानी कि जो भी ऐसे कार्यक्रम जो चलाए जा रहे थे, जो नस्लवादी थे या वर्गवादी थे, उनको खत्म करना था, ठीक, उनके खिलाफ आवाज उठाना था। अदर मेजर इशूज एट द टाइम वर सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट, स्पेशली इन द वर्क प्लेस एंड अदर इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। दूसरे जो इशूज थे, मतलब सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म डील करता है, वो क्या है, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो नौकरियों में, जो मतलब अलग अलग जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या अदर प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में जो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी कि सेक्स के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके खिलाफ आवाज उठाना, और सेक्सुअल हरासमेंट जो होता था उसके खिलाफ आवाज उठाना, खासतौर से जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता था उसके खिलाफ, ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म था। उस समय अन्य प्रमुख मुद्दे यौन भेदभाव और यौन उत्पीड़न थे, विशेष रूप से कार्यस्थल और अन्य संस्थागत सेटिंग में, ठीक। तो जो जो भी मतलब जो दूसरे मुद्दे थे, दूसरी लहर नारीवाद की दूसरे लहर के जो दूसरे मुद्दे थे वो कौन कौन से थे, वो ये थे कि यौन भेदभाव जो हो रहे हैं, यानी कि यौन के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, ठीक, यानी कि अगर कोई महिला है तो वो उसको जो है पुरुष के बराबर नहीं देखा जा रहा है, पुरुष के बराबर उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है, पुरुष के बराबर जो है उसको जॉब में इक्वलिटी नहीं दी जा रही है, जॉब में समानता नहीं दी जा रही है, ठीक। तो ये इसी को कहते हैं यौन भेदभाव और यौन उत्पीड़न, जो खासतौर से कार्यस्थल पे होता था, जहाँ पे वो कार्य करने जाते थे वहां पे यौन उत्पीड़न होता था, या कोई भी जो संस्थागत सेटिंग है वहां पे यौन उत्पीड़न के खिलाफ दूसरी लहर नारीवाद की थी। दे क्वाइंड द फ्रेज द पर्सनल इज पॉलिटिकल, और सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने एक फ्रेज क्वाइन किया था कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ठीक। तो ये फ्रेज आप याद रखिएगा, फ्रेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। सो इन्होंने एक फ्रेज, एक स्लोगन चलाया था, जो स्लोगन क्या था, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, एज अ मीन्स ऑफ हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ सेक्सिज्म एंड पैट्रियार्की ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वेमेन्स प्राइवेट लाइफ। तो ये क्या करते हैं, ये पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये फ्रेज क्यों पॉइंट किया गया था, ये बताने के लिए कि जो वुमेन्स की लाइफ है, वुमेन्स की जो प्राइवेट लाइफ है, उसके हर एस्पेक्ट पे सेक्सिज्म और प्राइवेट पैट्रियार्की का इम्पैक्ट, ठीक, सेक्सिज्म और पैट्रियार्की का इम्पैक्ट है वुमेन्स के एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट लाइफ, ठीक। इसी के खिलाफ इन्होंने ये फ्रेज दिया था कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल। उन्होंने महिलाओं के निजी जीवन के हर पहलू पर लिंगवाद और पितृसत्ता के प्रभाव को उजागर करने के लिए, उजागर करने के साधन के रूप में व्यक्तिगत राजनीतिक है वाक्यांश गढ़ा था। तो दूसरी लहर की जो नारीवाद की जो दूसरी लहर थी, उन्होंने एक वाक्यांश गढ़ा था जो क्या था, व्यक्तिगत राजनीतिक है, ठीक। और ये किस लिए गढ़ा गया था, ये बताने के लिए कि महिलाओं के बहुत सारे निजी जीवन के पहलुओं पर, ठीक, महिलाओं के लगभग हर निजी जीवन के पहलू पर लिंगवाद और पितृसत्ता का प्रभाव है, ठीक, और उसी को उजागर करने के लिए इन्होंने ये वाक्यांश गढ़ा था कि व्यक्तिगत राजनीति है। तो आपको ये वाक्यांश याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे वाक्यांश भी पूछा जाता है। तो ईयर के साथ वाक्यांश प्लस वो किस लिए था, दूसरी लहर फेमिनिज्म की किस लिए थी, यानी कि नारीवाद की दूसरी लहर किस लिए थी, वो भी आपको याद होना चाहिए। न्यूयॉर्क रेडिकल वुमेन्स ग्रुप फाउंडेड बाई सुलामित फाइस्टोन एंड पाम एलन, तो एक ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था न्यूयॉर्क रेडिकल वुमेन्स ग्रुप, ठीक। इसको किसने बनाया था, फेमिनिस्ट द्वारा बनाया गया था, सुलामित फाइस्टोन और पाम एलन के द्वारा बनाया गया था, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि दूसरी लहर में कौन कौन से लोग आते हैं, सुलामित फाइस्टोन और पाम एलन, दे वॉन्टेड टू स्प्रेड द मैसेज दैट सिस्टरहुड इज पावरफुल। तो ये एक मैसेज फैलाना चाहते थे कि सिस्टरहुड जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक, सिस्टरहुड बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये मैसेज, माने मतलब ये इनका मतलब ये था ये कहने का कि अगर हम वुमेन जो है एक साथ आ जाए तो वो बहुत पावरफुल हो जाए, ठीक। तो
तो न्यूयॉर्क रेडिकल वेमेंस ग्रुप बनाया गया था किसके जरिए, सुलामित फायरस्टोन और पाम एलन के जरिए। सुलामित फायरस्टोन और पाम एलन के द्वारा स्थापित न्यूयॉर्क रेडिकल वेमेन समूह बनाया गया था, ठीक। और इसका मकसद क्या था, ये संदेश फैलाना चाहते थे कि बहनवाद जो है वो शक्तिशाली, यानी कि अगर लोग जो वेमेन है, जो महिलाएं हैं वो एक साथ जुड़ जाएं तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होंगी। रेडिकल कहते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उन्हीं को रेडिकल कहा जाता है। द इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963 वाज इन्फोर्स्ड व्हिच मेक्स इट इलीगल फॉर एम्प्लॉयर्स टू हैव डिफरेंट रेट ऑफ पे फॉर वेमेन एंड मेन डूइंग द सेम जॉब, ठीक। सो एक इक्वल पे एक्ट पास हुआ था 1963 में, जो इस चीज को इलीगल बना देता है कि एक एम्प्लॉयर जो है सेम जॉब के लिए वेमेन को अलग पे करे और मेन को अलग पे करे। सो ये इलीगल हो गया था, क्योंकि अब जो है आ गया था द इक्वल पे एक्ट 1963। इसके अकॉर्डिंग जो है आप किसी को भी अगर हायर कर रहे हैं, चाहे वो वीमेन हो चाहे मेन हो, आपको जो है उसको इक्वल पेमेंट देनी पड़ेगी उस जॉब के लिए, ठीक। 1963 का समान वेतन अधिनियम लागू किया गया था, ठीक। 1963 में जो है समान वेतन अधिनियम लागू किया गया था, जिससे नियोक्ता के लिए एक ही काम करने वाली महिलाओं और पुरुषों के लिए वेतन की अलग अलग दरों को अवैध बनाता है, ठीक। सो ये क्या करता है कि अगर एक ही काम के लिए किसी पुरुष को हायर किया जा रहा है या किसी महिला को हायर किया जा रहा है, तो दोनों को समान वेतन देना पड़ेगा, ठीक। अगर अलग अलग वेतन दिया जाता है तो ये अवैध माना जाएगा, ठीक। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट फेडरल लॉ टू एड्रेस सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। ये पहला ही फेडरल लॉ था जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करता है, ठीक। यानी कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। ये लैंगिक भेदभाव को संबोधित करने वाला पहला संघीय कानून था, ठीक। तो पहला संघीय कानून था ये जो लैंगिक भेदभाव को संबोधित करता है। कौन सा कानून था? समान वेतन अधिनियम, ठीक, द इक्वल पे एक्ट। द इक्वल क्रेडिट अपॉर्चुनिटी एक्ट वॉज इम्पोज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1974। और उसके बाद जो है 1974 में एक इक्वल क्रेडिट अपॉर्चुनिटी एक्ट पास हुआ था, ठीक, जिसका क्या उद्देश्य था, जिसका एम क्या था, बैनिंग डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और मैरिटल स्टेटस। तो सेक्स और मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे क्रेडिट जो है, जो लेना होता था उसके बेस उस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था, सेक्स के बेस पे या मैरिटल स्टेटस के बेस पे, तो इसको बैन कर दिया गया। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया गया, अब जो है सारे लोगों का अधिकार है कि वो क्रेडिट ले सकते हैं। द इक्वल क्रेडिट अपॉर्चुनिटी एक्ट वॉज इम्पोज इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1974, बैनिंग डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और मैरिटल स्टेटस। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1974 में समान क्रेडिट अवसर अधिनियम लागू किया गया था। तो 1974 में संयुक्त राज्य अमेरिका में, राज्य अमेरिका में एक समान क्रेडिट अवसर अधिनियम लागू किया गया था, जिसके अनुसार क्या था, सेक्स या वैवाहिक स्थिति के आधार पर, यानी कि लिंग या वैवाहिक स्थिति के आधार पर क्रेडिट तक पहुंचने में भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी कि जो क्रेडिट दिया जाएगा वो जो है अब जो है लिंग के आधार पर या वैवाहिक स्थिति के आधार पर कोई भी इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक, प्रतिबंधित कर दिया गया था इसको। नेक्स्ट आता है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, नारीवाद की तीसरी लहर। द थर्ड वेव इज थॉट टू हैव स्पैंड फ्रॉम द लेट 1980s, 1980s तक कौन सा चला, सेकंड वेव चला, फिर 1980s से 1990s तक जो है वो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म चला, अंटिल द 1990s। नारीवाद की तीसरी लहर, माना जाता है कि तीसरी लहर 1980 के दशक के अंत से 1990 के दशक तक फैली हुई थी। 1980 के दशक से दशक के अंत से 1990 के दशक तक फैली हुई थी नारीवाद की तीसरी लहर, ठीक। थर्ड वेव फेमिनिस्ट आर बिलीव टू लेस रिजिड एंड जजमेंटल कंपेयर टू सेकेंड वेव, हु आर सजेस्टेड टू बी सेक्सुअली जजमेंटल एंटी सेक्सुअल, ठीक। तो ज्यादातर जो है जो सेकेंड वेव की फेमिनिस्ट थी, मैंने बताया वो रेडिकल थे। रेडिकल क्यों थे? रेडिकल यानी कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थे, वो हमेशा पैट्रियार्की के खिलाफ बोलते थे, यानी कि वेमेन के राइट के लिए मेन के खिलाफ बोला जाता था, ठीक। एक तरह से वो चाहते थे कि वो भी एक तरह से क्या कहेंगे, सेक्सिज्म कर रहे थे ये मान लीजिए, ठीक।
जो थर्ड वेव फेमिनिज्म थी वो थोड़ा सा लिबरल थी, वो इतना रिजिड नहीं थी जितना सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के लोग थे, उतना जो है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के लोग रिजिड नहीं थे, एक जजमेंटल कंपेयर कर रहे थे ये लोग, जजमेंट के बेस पे ही चल रहे थे कि मतलब ठीक है दोनों सेक्सेस को इक्वल राइट होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक सेक्स को जो है आप एकदम एक्सप्लॉइट करने लगे, उसका बदला लेने लगे, ठीक। तो सेकंड वेव हु आर सजेस्टेड टू बी सेक्सुअली जजमेंटल, तो जो सेकंड वेव थे वो क्या थी, सेक्सुअली जजमेंटल थी और एंटी सेक्सुअल थी, यानी कि वो मेन के खिलाफ थे, लेकिन थर्ड वेव जो है वो मेन के खिलाफ नहीं है। माना जाता है कि तीसरी लहर की नारीवादियों को दूसरी लहरों की तुलना में कम कठोर और न्यायपूर्ण माना जाता है। तो ये माना जाता है कि जो दूसरी लहर के नारीवाद की नारीवाद जो दूसरे लहर के थे वो ज्यादा कठोर थे, ठीक, लेकिन जो तीसरी लहर के नारीवाद हैं वो जो है कम कठोर हैं और न्यायपूर्ण हैं, ठीक, जिन्हें यौन निर्णात्मक यौन विरोधी होने का सुझाव दिया जाता है। तो ये माना जाता है कि जो दूसरी लहर की नारीवाद थे वो क्या थी, यौन निर्णात्मक और यौन विरोधी थे, ठीक, लेकिन जो तीसरी लहर है वो यौन विरोधी नहीं थी, ठीक। तो थोड़ा सा इनको लिबरल माना जाता है, थोड़ा ये इनको सहज माना जाता है। थर्ड वेव फेमिनिज्म इज बिलीव टू बी सेव बाई पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, और ये माना जाता है कि थर्ड वेव फेमिनिज्म जो है वो किसके जरिए बनाई गई थी, पोस्ट मॉडर्न थ्योरी के जरिए बनाई गई, ठीक। नारीवाद की तीसरी लहर को उत्तर आधुनिक सिद्धांत द्वारा आकार दिया गया, तो नारीवाद की तीसरी लहर को उत्तर आधुनिक सिद्धांत द्वारा आकार दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए आपसे। थर्ड वेव फेमिनिज्म आइडियल्स आर फोकस ऑन चॉइस, तो ये जो है फोकस करते हैं चॉइस पे, ठीक, ये फोकस करते हैं चॉइस पे कि अगर एक वेमेन जो है हाउसवाइफ रहना चाहती है तो वो उसकी चॉइस है, लेकिन अगर वो नहीं रहना चाहती है तो उसको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि वो हाउसवाइफ ही बनी रहे, ठीक। वट एवर अ वेमेन चूजेस टू डू, मतलब कि एक औरत जो करना चाहती है वो करे, इट इज फेमिनिस्ट एज लॉन्ग एज शी मेड दैट चॉइस, ठीक। सो वो तब तक फेमिनिस्ट होगी जब तक वो अपनी चॉइस के हिसाब से काम करे। नारीवाद की तीसरी लहर के आदर्श पसंद पर केंद्रित हैं, यानी कि महिला जो पसंद करती है वो करे, ठीक। अगर वो ये पसंद करती है कि एक गृहिणी बनकर रहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन चिकन वेब कहता है कि गृहिणी बनना ही एक इशू है उत्पीड़न का, ठीक। एक महिला को कुछ भी करना चाहती, एक महिला जो कुछ भी करना चाहती है वो तब तक नारीवादी है जब तक उसने वो विकल्प चुना है, मतलब जो वो करना चाहती है अगर वो कर रही है तो वो नारीवादी कहलाएगी, अपने चॉइस के हिसाब से अगर वो चल रही है तो नारीवादी कहलाएगी। थर्ड वेव फील्स एंटाइटल्ड टू इंटरेक्ट विद मेन एज इक्वल एज एक्टिवली प्ले विद फेमिनिटी, ठीक। सो तीसरी लहरें पुरुषों के साथ समान रूप से बातचीत करने और स्त्रीत्व के साथ सक्रिय रूप से खेलने का हकदार महसूस करती है, तो ये कहती है कि मतलब इक्वल तरीके से चलना चाहिए, मतलब मेन को साथ लेकर चलना चाहिए, मेन के साथ चलना चाहिए, ठीक। सेकंड वेव क्या कहती है, मेन को ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन थर्ड वेव कहती है कि मतलब मेन के साथ चलना चाहिए, इक्वल तरीके से चलना चाहिए और एक्टिवली फेमिनिटी के साथ चलना चाहिए, ठीक। द कॉन्सेप्ट ऑफ गर्ल पावर आल्सो केम अबाउट एट दिस टाइम, और इस टाइम पे ही गर्ल्स पावर का कॉन्सेप्ट आया था, नारी शक्ति की अवधारणा इसी समय पर आई थी, तो नारी शक्ति की जो अवधारणा है वो इसी समय पर आई थी, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में आई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गर्ल्स पावर का कॉन्सेप्ट कब आया था, कौन से वेव ऑफ फेमिनिज्म में आया था, तो वो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में आया था। थर्ड वेव फेमिनिज्म इज ऑफन प्रोसेक्स, ये ज्यादातर जो है प्रोसेक्स थे, यानी कि दोनों सेक्स को साथ लेकर चलने वाले, डिफेंडिंग पोर्नोग्राफी, ठीक, तो ये पोर्नोग्राफी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सेक्स वर्क के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इंटरकोर्स के खिलाफ जो है आवाज उठाते हैं, एंड मैरिज एंड रिड्यूसिंग द स्टिग्मा सराउंडिंग सेक्सुअल प्लेजर इन फेमिनिज्म, ठीक। और एक जो है सेक्सुअल प्लेजर का जो स्टिग्मा था उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तीसरी लहर नारीवादी अक्सर सेक्स के पक्ष में है, ठीक, अश्लील साहित्य सेक्स वर्क संभोग और विवाह का बचाव करता है, तो ये जो है अश्लील जो साहित्य है, सेक्स वर्क है, संभोग है या विवाह है, इसका जो है बचाव करता है, और नारीवादी में यौन सुख के आसपास के कलंक को कम करता है, ठीक, और नारीवादी में जो यौन सुख है उसके कलंक को दूर करता है, ठीक। दिस कॉन्ट्रास्ट
with a lot of radical feminists of the second wave who would often reject femininity and disengage from heterosexual intercourse with men. ठीक, तो second wave of feminism जो है वो heterosexual intercourse को ही खत्म करना चाहते हैं, यानी कि men के साथ इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, यानी कि जो सेक्सुअल डिजायर होना चाहिए वो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ये मानती थी कि वो विमेन के साथ ही होना चाहिए, मेन के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो ज्यादातर हेट्रोसेक्सुअल इंटरकोर्स को मतलब ये अलाउ करती है। ठीक, ये दूसरी लहर के बहुत सारे कट्टरपंथी नारीवादियों के विपरीत है, तो ये दूसरे लहर के विपरीत है, क्योंकि दूसरी लहर ये मानती थी कि जो विषम लैंगिकता है उसको खत्म होना चाहिए, यानी कि जो एक महिला है उसका जो यौन आकर्षक है वो महिला के साथ ही होना चाहिए, वो पुरुष के साथ नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जो है थर्ड वेव फेमिनिज्म ज्यादातर विषम लैंगिक संभोग से पर ही ध्यान देती है, यानी कि ये कहते हैं कि विषम लैंगिक संभोग होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये खिलाफ नहीं है, नारीवाद के खिलाफ नहीं है। थर्ड वेव फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स, इसकी वजह से ही थर्ड वेव को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। द सेक्सुअलाइज्ड बिहेवियर ऑफ फेमिनिस्ट वाज क्वेश्चन्ड एज टू वेदर दिस ट्रूली रिप्रेजेंटेड सेक्सुअल लिबरेशन एंड जेंडर इक्वालिटी और वेदर इट वाज ओल्ड ऑपरेशन इन डिस्गाइज। तो इसको क्रिटिसाइज इसलिए किया गया था कि क्या ये जो है फेमिनिस्ट है, ये जो फेमिनिस्ट हैं क्या ये जो है ट्रूली सेक्सुअल लिबरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या एक तरह का ये भी ऑपरेशन है, एक बहकावे के तौर पे ये काम कर रहे हैं। ठीक, यानी कि ये ज्यादातर मेन को ही सपोर्ट कर रहे हैं। थर्ड वेव वेव्स को बहुत सारे आलोचकों का सामना करना पड़ा। नारीवादियों के लैंगिक व्यवहार पर सवाल उठाया गया कि क्या ये वास्तव में यौन उत्पीड़न और लैंगिक समानता का प्रतिनिधित्व करता है, या क्या ये भेष में पुराने उत्पीड़न थे। तो ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि क्या सच में ये जो है लैंगिक समानता का जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहे हैं या उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या ये भी एक तरह का उत्पीड़न का भेष है। ठीक, तो थर्ड वेव को इस तरह का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, नारीवाद की चौथी लहर। फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म विच मे हैव स्टार्टेड एनीवेयर फ्रॉम 2007 टू 2012। तो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म वो 2007 से 2012 के बीच में स्टार्ट हुई। ठीक, एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट डे, और अभी तक चलती आ रही है। ठीक, तो अभी तक नारी फेमिनिज्म की फोर्थ वेव चल रही है। नारीवाद की चौथी लहर, 2007 के से 2012 तक शुरू हुई थी, शुरू हो सकती है, मतलब इसी के बीच में शुरू हुई होगी। ठीक, और आज भी जारी। So the internet has become a platform for feminists from around the world to come together to call out cultures in which sexism and misogyny can be challenged and exposed. Internet duniya bhar ke nariwadiyon ke liye ek saath aane wale ek manch par ban gaya hai taki sanskritiyon ko call out kiya ja sake jisme lingvad aur kuprathaon ko chunauti di ja sake aur ujagar kiya ja sake. तो इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो है पूरे दुनिया में विमेंस को इकट्ठा किया गया था, फेमिनिस्ट को इकट्ठा किया गया था, जो सेक्सिज्म और मिसोजिनी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ठीक, सो इंटरनेट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था जिससे नारीवादियों को एक साथ जोड़ा जा सके और एक मंच पर लाया जा सके ताकि एक संस्कृत काल आउट किया जाए। ठीक, जिसमें लिंगवाद और कुप्रथाओं को चुनौती दी जा सके, जिसमें लिंगवाद या कुप्रथाएं जो थी जो महिलाओं के खिलाफ थी उनको चुनौती दी जा सके, इसमें जो है ज्यादातर इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया। ठीक, दिस कंटिन्यूइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड वेव विद अ फोकस ऑन माइक्रो पॉलिटिक्स चैलेंजिंग सेक्सिज्म इन एडवर्ड्स फिल्म लिटरेचर एंड द मीडिया अमंग अदर्स। तो ये ज्यादातर जो है जो थर्ड वेव फेमिनिज्म थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये जो है ज्यादातर फोकस करते हैं माइक्रो पॉलिटिक्स पे, ज्यादातर ये सेक्सिज्म को मतलब चैलेंज करते हैं, जो फिल्म वगैरह में सेक्सिज्म जो फिल्म वगैरह में यूज की जाती है, फिल्म में जो सेक्सिज्म दिखाया जाता है, लिटरेचर में सेक्सिज्म जो दिखाया जाता है उसको चैलेंज करते हैं ये, और मीडिया में
या दूसरी जगहों पे जो सेक्सिज्म जो है होता है उसके खिलाफ उसको चैलेंज करते हैं ये फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। ये तीसरी लहर के प्रभाव को ही जारी रखा है, यानी कि तीसरी लहर की जो फेमिनिज्म थी, जो नारीवाद थी, उसी को आगे बढ़ाता है, जिसमें सूक्ष्म राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये सूक्ष्म राजनीति क्या है, जैसे विज्ञान विज्ञापनों, फिल्मों, साहित्य और मीडिया में लिंगवाद को चुनौती दी गई है। यहाँ पे ज्यादातर ऐसे लिंगवाद को चुनौती दी जाती है जो विज्ञापनों में होती है, फिल्म वगैरह में दिखाया जाता है, साहित्य वगैरह या मीडिया वगैरह में यूज किया जाता है, उसको ये चैलेंज करते हैं, उसको चुनौती देते हैं। ठीक, द मी टू मोमेंट आपने सुना होगा, मी टू मोमेंट बहुत फेमस हुआ था। ठीक, ये भी फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म का ही हिस्सा है। द मी टू मोमेंट हिट सोशल मीडिया इन ओवर 85 कंट्रीज वेयर इंडिविजुअल शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड हैरेसमेंट टू डेमोंस्ट्रेट द वाइड स्प्रेड नंबर ऑफ केसेज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड टू क्रिएट सोलिडरिटी अमंग विक्टिम। ठीक, तो तकरीबन 85 कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें इंडिया भी थी एक। ठीक, सो तकरीबन 85 कंट्रीज ने इसमें मी टू मोमेंट में हिस्सा लिया था, जिसमें जो विक्टिम है, सेक्सुअल विक्टिम है, वो एक साथ आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करती थी, अपना उनके साथ जो भी सेक्सुअल अब्यूज हुआ है या सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसको डेमोंस्ट्रेट करते थे, ताकि जो है एक तरह से विक्टिम के साथ सोलिडरिटी क्रिएट करें। ठीक, और इसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ FIR भी हुए थे, आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक, मीटू आंदोलन ने 85 से अधिक देशों को सोशल मीडिया को हिट किया, जहां व्यक्तियों ने यौन हिंसा के मामलों की व्यापक व्याख्या संख्या को प्रदर्शित करने और पीड़ितों के बीच एकजुटता पैदा करने के लिए यौन शोषण और उत्पीड़न के अपने अनुभव को साझा किया। तो मीटू मूवमेंट क्या था, मीटू आंदोलन था जिसमें 85 से अधिक देश शामिल थे, जिसमें भारत भी एक था। ठीक, और इसमें जिन व्यक्तियों के साथ, जिन महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, ठीक, चाहे वो कार्यस्थल पर हुआ हो या किसी भी जगह पर हुआ हो, उनके साथ जो भी यौन उत्पीड़न हुआ था या यौन शोषण हुआ था, उसको उसके अनुभव को उन्होंने साझा किया था। और इसका परिणाम ये हुआ था कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ यहाँ पे जांच भी हुई थी और FIR भी हुआ था। इसमें ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर इसका नाम आया था। मी टू मूवमेंट में ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री से ही बहुत सारे केसेस आए थे। द फोर्थ वेव इनकरेजेस वीमेन टू बी पॉलिटिकली एक्टिव। तो फोर्थ वेव क्या वेव जो है वो क्या करती है, वीमेन को इंकरेज करती है कि वो पॉलिटिकली एक्टिव रहें, यानी कि पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, एंड पैशनेट अबाउट द प्रीवियस वेव्स इश्यूज सच एज द वेज गैप एंड एंडिंग सेक्सुअल वायलेंस। तो ये ज्यादातर फोकस करते हैं जो पहले की वेव्स फोकस करती हैं, जैसे वेज गैप, यानी कि मेन और वीमेन दोनों की वेजेस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि जो पेमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए, और सेक्सुअल वायलेंस को खत्म किया जाना चाहिए। चौथी लहर महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय होने और पिछली लहर के मुद्दों जैसे वेतन अंतर और यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये चौथी लहर जो है वो महिलाओं को प्रोत्साहित करती है कि वो राजनीति में हिस्सा ले, और जो पिछली लहर के मुद्दे थे जैसे कि वेतन में जो अंतर है उसके खिलाफ बोलना, ठीक, या जो है यौन हिंसा जो है उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये सारी चीजें चौथी लहर में भी शामिल। तो यहां तक हम लोग वेव्स ऑफ फेमिनिज्म कर चुके हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। तो इसमें सबसे पहले आता है रेडिकल फेमिनिज्म। सुलामिट फायरस्टोन, कैथी सरचाइल्ड, टाइग्रेस अटकिंसन, कैरोल हनिश, रॉक्सेन डंबार, नॉमी विस्टीन एंड जेडिथ ब्राउन, ये सारे जो है रेडिकल फेमिनिस्ट हैं। कट्टरपंथी नारीवाद में कौन कौन से आ जाते हैं, सुलामिट फायरस्टोन, कैथी सरचाइल्ड, टिग्रेस एटकिंसन, कैरल हेनिस, रॉक्सेन डंबार, नॉमी विस्टीन और जेडिथ ब्राउन, ये सारे जो लोग जो है वो कट्टरपंथी नारीवाद में आ जाते हैं। और ये ज्यादातर जो है जो रेडिकल फेमिनिस्ट होते हैं वो पैट्रियार्की को ज्यादातर मेन
एक्यूज मानते हैं, ज्यादातर ये मानते हैं कि पैट्रियार्की की वजह से, यानी कि जो मेन का रूल है, यानी कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वही मेन कॉज है एक्सप्लॉयटेशन का, जो पितृसत्तात्मक समाज है वही मेन वजह है महिलाओं के उत्पीड़न की, ठीक। और उनमें ये सारे थिंकर्स शामिल हैं, ये सारे फेमिनिस्ट शामिल हैं। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कौन से हैं? मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, मार्क्सवादी नारीवादी। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एनालाइजेस द वेज इन विच वेमेन आर एक्सप्लॉयटेड थ्रू कैपिटलिज्म एंड द इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मार्क्सिज्म ज्यादा फोकस करते हैं कि जो वेमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता है वो कैपिटलिज्म की वजह से होता है, ठीक, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप है उसकी वजह से वेमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता है। मार्क्सवादी नारीवादी क्या मानते हैं? मार्क्सवादी नारीवादी उन तरीकों का विश्लेषण करते हैं जिसमें पूंजीवादी और निजी संपत्ति को व्यक्तिगत स्वामित्व के माध्यम से महिलाओं का शोषण किया जाता है। तो मार्क्सवादी ये मानते हैं कि जो महिलाओं का शोषण होता है वो पूंजीवादी की वजह से, पूंजीवादी प्रणाली जो है उसकी वजह से होता है, या जो निजी व्यक्तिगत संपत्ति है उसकी वजह से होता है, ठीक, निजी संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व की वजह से भी महिलाओं का उत्पीड़न होता है, ठीक। तो ये ज्यादातर प्रॉपर्टी ओनरशिप और कैपिटलिज्म को दोषी मानते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट वुमेन्स लिबरेशन कैन ओनली बी अचीव बाय डिसमेंटलिंग द कैपिटलिज्म सिस्टम इन विच दे कंटेंट मच ऑफ वुमेन्स लेबर इज अनकम्पेंसेटेड, क्योंकि ये मानते हैं कि जो अगर जो है वुमेन के लिबरेशन की आप बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वुमेन का लिबरेशन हो तो आपको कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है उसी को खत्म करना होगा, जहां पे वुमेन को और वुमेन के लेबर को कंपेंसेट नहीं किया जाता है, यानी कि उनको उनके लेबर का जो है पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक। क्योंकि जो आपने देखा होगा जो हाउसवाइफ होती है उनको पैसे कहाँ पे मिलते हैं, ठीक। मार्क्सवादी नारीवादियों के अनुसार महिलाओं की मुक्ति केवल पूंजीवादी व्यवस्थाओं को खत्म करके ही प्राप्त की जा सकती है। तो मार्क्सवादी ये मानते हैं कि नारीवादियों या महिलाओं की मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसी को खत्म किया जाना चाहिए, जिसमें महिलाओं के अधिकांश श्रम का भुगतान नहीं होता है, ठीक, जो भी काम वो करती हैं उनका भुगतान नहीं होता है, खासतौर से जो घर के अंदर काम होता है उसका भुगतान कभी नहीं किया जाता है, ठीक। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कौन कौन से हैं, मार्क्सवादी नारीवादी कौन कौन से हैं? तो नेटाली सोकोलॉफ, पॉला इंग्लैंड, हेडी हार्टमैन, ठीक, एवेलिन रीड, सो फेगोसन एंड एलेन मिकिस हुड। तो ये सब नाम है, थोड़ा अजीब है नाम लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। नताली सोकोलॉफ, पॉला इंग्लैंड, हेडी हार्टमैन, एवेलिन रीड, सो फेगोसन और एलेन मेकेसन्स फोर्ट, ये सारे जो है मार्क्सवादी नारीवादी हैं। ज्यादातर नाम आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक, लेकिन अगर आप याद रखें तो बेहतर है। नाम नहीं पूछा गया है अभी तक, ज्यादातर बुक्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मार्क्सवादी फेमिनिस्ट क्या बिलीव करते हैं, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट किस बात पे बिलीव करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है लिबरल फेमिनिज्म, उदार नारीवाद। द मेन गोल ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का हिस्सा है, ठीक, लिबरल फेमिनिज्म कब शुरू हुआ था? थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। द मेन गोल ऑफ लिबरल फेमिनिज्म इज जेंडर इक्वलिटी, ये ज्यादातर जेंडर इक्वलिटी पे फोकस करते हैं, ये कहते हैं कि इक्वल होना चाहिए दोनों जेंडर को इन द पब्लिक स्पेयर, जो भी पब्लिक स्पेयर है उसमें जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, सच एज इक्वल एजुकेशन, जैसा कि इक्वल एजुकेशन होना चाहिए, इक्वल पे होना चाहिए फॉर इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होना चाहिए, एंडिंग जेंडर सेग्रीगेशन, और जेंडर सेग्रीगेशन को खत्म किया जाना चाहिए एट वर्क, ठीक, वर्क प्लेस पे जो है जेंडर सेग्रीगेशन होता है कि मेन जो है ये काम करेंगे और वुमेन जो है ये काम करेंगे, ये इसको कहते हैं जेंडर सेग्रीगेशन। तो इसको खत्म करना एंड बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, इन सारी चीजों पर लिबरल फेमिनिज्म फोकस करते हैं। उदार नारीवाद क्या करते हैं? उदारवादी नारीवाद का मुख्य लक्ष्य ये है सार्वजनिक क्षेत्र में लैंगिक समानता होना चाहिए, जैसा कि समान शिक्षा होना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, काम पर लैंगिक अलगाव को समाप्त करना और काम की बेहतर स्थिति होना चाहिए, ठीक, इन सारी चीजों पर फोकस करते हैं उदारवादी नारीवाद, ठीक। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव चेंजेस इन द लॉ विल मेक दिस गोल पॉसिबल, और ये कहते हैं कि अगर लॉ में चेंज कर दिया जाए
तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक, जैसे इक्वल पे एक्ट पास हुआ तो इक्वल पेमेंट मिलने लगी सबको। ठीक, तो ये ज्यादातर ये नहीं कहते हैं कि किसी सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए, बस ये कहते हैं कि थोड़ा सा लॉ में भी अगर चेंज हो जाए तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इस दृष्टिकोण से कानून में परिवर्तन इन लक्ष्यों को संभव बनाता है। तो उदारवादी ये मानते हैं कि अगर कानून में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो ये लक्ष्य आराम से पाए जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पूरी संस्था को खत्म किया जाए। मैरी वॉस्टन क्राफ्ट रिप्रेजेंट द बिगनिंग ऑफ लिबरल फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक, तो मैरी वॉस्टन क्राफ्ट ही जो है रिप्रेजेंट करते हैं बिगनिंग ऑफ लिबरल फेमिनिस्ट मूवमेंट को। ठीक, जिनकी बुक क्या थी, द विंडिकेशन ऑफ विमेन, राइट ऑफ विमेन। ठीक, सी रोट अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ विमेन। ठीक, मैरी वॉस्टन क्राफ्ट उदारवादी आंदोलन की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, उन्होंने एक विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वेमेन लिखी है। ठीक, तो ये पुस्तक उन्होंने लिखा है, हमने पहले ही पढ़ लिया इसको। तो ये मैरी वॉस्टन क्राफ्ट जो है ये माने जाते हैं उदारवादी। नेक्स्ट आता है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, लास्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, उत्तर आधुनिक नारीवाद। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरी इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स इन अंडरस्टैंडिंग जेंडर। So, ये कहते हैं पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरी क्या मानती है, ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो ज्यादातर फोकस करती है सोशल पॉलिटिकल फैक्टर को, जेंडर को समझने के लिए। ठीक, उत्तर आधुनिक नारीवादी सिद्धांत विचार का एक स्कूल है जो लिंग को समझने में सामाजिक और राजनीतिक कारकों के महत्व पर जोर देती है। तो ये ज्यादातर सामाजिक और राजनीतिक कारक देखती है लिंग को समझने के लिए। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट बिलीव दैट जेंडर इज नॉट डिटरमाइंड बाय बायोलॉजी बट रादर बाय कल्चर एंड सोसाइटी। तो ये कहते हैं बायोलॉजी के द्वारा जो है जेंडर डिटरमाइन नहीं किया जाता है, बल्कि कल्चर और सोसाइटी जो है जेंडर को अलग करती है। जैसे हमने पढ़ा है कि सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है, सेक्स जो है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि कोई आदमी मेल है या फीमेल है, लेकिन जेंडर जो है वो कल्चरल या सोशल कॉन्सेप्ट है। यही पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट बिलीव करते हैं कि कल्चर या सोसाइटी ने इसको बनाया। ठीक, जेंडर, जेंडर मतलब जो काम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक, जो बॉडी से जुड़ा नहीं होता है बल्कि काम से जुड़ा होता है। उत्तर आधुनिक नारीवादियों का मानना है कि लिंग जीव विज्ञान द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि लिंग जो है वो जीव विज्ञान द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि संस्कृति और समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है, यही उत्तर आधुनिक नारीवादियों का मानना था। They argue that women have been oppressed not because they are biologically inferior to men, but because they have been socially and politically marginalized. तो ये कहते हैं कि women का oppression इस वजह से नहीं हुआ कि वो biologically inferior है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो women है वो biologically जो है वो थोड़ा सा weak होती हैं, तो उस वजह से जो है इनका oppression नहीं होता है, बल्कि ये culture और जो है politics की वजह से उनका oppression होता है। बट बिकॉज दे हैव बीन सोशली एंड पॉलिटिकली मार्जिनलाइज, क्योंकि उनको सोशली और पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया गया है, एक हाशिए पर रख दिया गया है, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन होता है। उनका तर्क है कि महिलाओं का दमन इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो जैविक रूप से पुरुषों से हीन है। तो महिलाओं का जो दमन होता है, महिलाओं को जो एक्सप्लाइटेशन होता है, जो उनको मतलब दबाया जाता है, कुचला जाता है, वो इस वजह से नहीं होता है कि वो जैविक रूप से पुरुषों से हीन होती हैं, यानी कि पुरुषों से कम होती हैं, ये जैविक रूप से नहीं होता है, बल्कि क्या है, उत्तर आधुनिक नारीवादी का ये मानना है कि बल्कि इसलिए कि वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर, ठीक, क्योंकि वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर है, इसीलिए उनका उनको उनका दमन होता है, ठीक, उनका उत्पीड़न होता है। ठीक, तो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट का मानना था, उत्तर आधुनिकतावादी नारीवादी का मानना था। नेक्स्ट आता है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट कौन कौन से थे, उत्तर आधुनिक नारीवादी कौन कौन से थे। तो कैथी आकर, ठीक, सिल्वियन अगस्टिंस्की, पमेला सू एंडरसन, फ्लोरिया ई अंजलडुआ, डॉन एटकिंस, ये मानव विज्ञानी थे, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मार्गरेट एटवुड, ठीक, मार्गरेट
एटवुड, ये सारे जो है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थे। सो यूनिट 8 के लिए बस इतना ही, और आज के लिए भी बस इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। आज हम लोग यूनिट 8 कंप्लीट कर चुके हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 9। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। इंडियन भी हैं लेकिन, मतलब आप लोग देख लीजिएगा, इंडियन भी हैं लेकिन लास्ट के हैं थोड़ा सा, तो उनके डाटा अभी मिलते नहीं है। ठीक, क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो इन्हीं सब थिंकर से ही पूछे जाते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।